नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा की। वैसे तो यहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही, लेकिन 2018 में समीकरण बदल गए और कांग्रेस के पीसी शर्मा चुनाव जीत कर आ गए। अब एक बार फिर 2023 में चुनाव होना है। जाहिर है चुनाव की बयार दिखने लगी है, बरसने लगी है। दोनों ही पार्टी के नेता इस समय चुनाव मैदान में हैं, लेकिन लोगों के मन में क्या, आखिर इस विधानसभा का चुनावी जायका कहता क्या है? क्योंकि यहाँ से पीसी शर्मा ने पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को चुनाव हराया। वो भी मैदान में रहेंगे, उनके परिवार के लोग भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, पर असली मुकाबला किसके बीच होगा और जनता के मन में चल क्या रहा? तो आज लेते हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा का चुनावी जायका। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा, जिसका चुनावी मिजाज अलग ही होता है। इस विधानसभा में मजदूर से लेकर सरकारी कर्मचारियों का बड़ा दबदबा होता है, इसलिए राजनीति का जायका भी बदलता रहता है। हालांकि 1990 से 2018 तक देखें तो 5 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस चुनाव जीती। इस बार चुनावी जायका लेने सबसे पहले हम नेहरू नगर पहुँचे, जहाँ बात बाबू भैया चाय वाले की हो या मिठाई वाले से लेकर आम जन की, जायका कुछ अलग ही मिलता है। जिस तरह से यहाँ पोस्टर बैनर पटे पड़े रहते हैं, वो खुद बार बार ये एहसास कराता है कि यहाँ की राजनीति बहुत अलग है। लोगों का आवागमन लगा रहता है, काफ़ी चहल पहल दिन भर बनी रहती है। आप पूरे चौराहे को आप देखेंगे तो हर तरह की गतिविधियाँ यहाँ नज़र आ जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2023 के चुनाव में जनता के मन में क्या चल रहा, तो सीधे लोगों से ही बात करेंगे और लेते हैं चुनावी जायका, क्योंकि खान पान का समय भी है। जब हम यहाँ पहुँचे तो शिवरात्रि का दिन था, लिहाजा शिवरात्रि के दिन काफ़ी लोगों में वो थी। ये बताओ, आप शिव की महिमा में तो लगे हैं, लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में क्या होगा? इस बार 2023-2024 चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी पलट भी सकती है, कांग्रेस आ भी सकती है। ज़्यादा चांसेस तो हमको कांग्रेस का ही लग रहा है। ज़्यादा चांस कांग्रेस। जितने महंगाई कम करती वही आ जाए, वही बढ़िया हमारे लिए। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई खा रही है आदमी को, कुछ नहीं है। ये बीजेपी कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले महंगाई खा रही है। वो कम हो जाए तो सब सुविधा हो जाए। क्या होगा इस बार चुनाव? कुछ और अलग ही नतीजे आएंगे मेरे हिसाब से, महंगाई की वजह से। तो चाय की ये बड़ी पुरानी दुकान है, यहाँ चाय देखिए, आप चाय उकल रही है। चाय उकल रही है सर, ये मोदी जी की चाय है, मोदी जी का फोटो लगा है। ये बाबू भाई की स्पेशल चस्का चाय, सन 2040 तक 5 रुपए का बेचने का वादा है। 2040 तक? सन 2040 तक 5 रुपए चाय बेचने का वादा है। अभी 5 रुपए में आप? 5 रुपए सन 2040 तक बेचना है क्या? बाबू भाई पैसा इतना कमाई हो जाती है, घर चल जाए। पैसा कमा के करेंगे क्या साहब? पैसे वाले को सुख है ही नहीं, जनता के लिए कमाते हैं अपन, अपना कोई नहीं है। दिन भर लोग आते रहते हैं, आप देखिए लाइन लगी रहती है। चाय उकाले मार रही और चाय बड़ी क्या चाय बहुत अच्छी चाय है बहुत, मतलब पी के देखो आप एक बार, तब पता चलेगा। 5 रुपए एक चुस्की का, मतलब बहुत अच्छा आनंद है। 5 रुपए चुनाव में क्या होगा इस बार? मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? मोदी जी के नाम मोदी क्यों, क्या होगा 2023 के चुनाव? पता नहीं भाई साहब, पलटेगी सरकार। सरकार किसकी बनेगी इस बार? तो मोदी जी की है और मोदी जी की ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब दम ही नहीं बचा किसी में, मजबूर हो जाता है इंसान। वोट कहाँ डालेंगे अपन, देखते हुए जाके डाल दो यार। अपन अपने लिए नहीं डाल रहे, देश के लिए डाल रहे बड़े भैया। तो हम चुनावी जायका ले रहे हैं, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग ढोल ओल बजाते हैं सर। ढोल बजाते? ढोल सरकारी, कठपुतली, नुक्कड़ नाटक करते हैं हम। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमलनाथ की, शिवराज की? अब सर अब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, जो माहौल चल रहा है वही ठीक है। माहौल ठीक है और क्या, और मैं किसी की बुराई तो कर नहीं सकता, जो चल रहा है वही सही है। थोड़ा शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। शिक्षा नीति? हाँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? जी हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं। मेडिकल MBBS कर? हाँ नहीं, BAMS आयुर्वेदिक। चलिए, मेडिकल के स्टूडेंट हैं ये। और क्यों, सरकार कौन सा ठीक काम करती है, बीजेपी की कांग्रेस की? अभी तक तो बीजेपी का ही लग रहा है, कांग्रेस का तो खास कुछ लग नहीं रहा, तो इसलिए हम बीजेपी पे ही ज़्यादा देखते हैं। बीजेपी ठीक है अभी तो। ये तिलक लगाया इसलिए? नहीं, जब मैं लगाता ही हूँ हमेशा।
पर ठीक है, अभी बीजेपी काम कर रही है तो आनी भी चाहिए, ठीक है अभी चलने दो। मतलब युवा वोटर जो है वो बीजेपी को पसंद करेगा ऐसा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अभी काम मतलब सही चल रहा है बीजेपी का, मतलब लग रहा है कि ठीक है अभी आप मोदी जी सही चल, मतलब उस हिसाब से देख रहे हैं, युवा को भी देख रहे हैं, बाकी कांग्रेस जी को तो ठीक है अभी रहने देते हैं उनको। और मोदी के नाम पर होगा मतलब? नहीं इधर अपने यहाँ भी काम सही चल रहा है, शिवराज जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। 2023 के चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव का जायका इस बार कैसा होगा, कुछ नया बनेगा ये पुराना रहे? हमारे मोदी जी रहेंगे और कोई नहीं आ सकता। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। हाँ मध्य प्रदेश में उनके रहेगा, शिवराज सिंह चौहान नाम रहेगा। ये हमारा बयान है, सुरेंद्र चौहान मध्य प्रदेश। अच्छा यस, इस बार पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सिंधिया जी के चेहरे पे ही लड़ेगी। इस विधानसभा में हर वर्ग के लोग रहते हैं। पंचशील नगर, बलवीर नगर, राहुल नगर जैसे कई झुग्गी और बस्तियां हैं जो समय के साथ चलते हैं। और बात राजनीति की हो तो गलियों से लेकर चौपाल तक हर मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। बलवीर नगर, राहुल नगर, पंचशील नगर, ये सब वो क्षेत्र हैं जो इसी दक्षिण विधानसभा में आते। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समय मिलता है तो फिर थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं और दोस्ती भी हो जाती है। सब लोग रिटायर लोग होंगे, आप लोग रिटायर हो गए क्या, सेवानिवृत्त हो गए? कहाँ काम करते? मंडीदीप करा तो फैक्ट्री में काम हुआ। अच्छा ये बताओ सरकार कौन सी अच्छा काम करती है, कांग्रेस की या बीजेपी? देखो चोर तो भी सब रही भारी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, अब इन्हें मौका में लगाओ ए बीजेपी का तो ये मनमानी कर रहा है अपने। इस बार क्या होगा चुनाव में? सरकार तो बदलने चाहिए थे, विचार जो ही है कहोगे नहीं। कितना बदल गया भोपाल पहले से? कुछ नहीं बदलेगा, अपने अपने जो नेता हो जाते हो सब खाने के लिए होते, और तो कोई वैसा होता नहीं है। गरीबों के लिए अच्छा काम करो, मकान बना के दे रहे तो ऐसे ही दे रहे, वो 3 साल नहीं हुआ टूटने लगी, क्या फायदा है मकान देने से, इससे तो बढ़िया प्लाट दे दे गरीब आदमी को, यही अच्छा है। हमें तो यही है, जो सरकार कोई भी आए गरीबों के लिए करे तो वो सरकार है अच्छी, नहीं तो कोई अच्छी नहीं है। जैसा चल रहा वैसे चलेगा ये तो, कोई बदलेगा नहीं, फिर बन जाएगी सरकार, फिर बन जाएगी सरकार। वह दिख रहा है अंदाजा, अंदाज लग रहा है कि वही बनना है उनको। सरकार से मतलब नहीं, सरकार कांग्रेस पार्टी की हो चाहे जनता पार्टी की, मगर कम से कम गरीब लोगों को देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, घर से पूरा हर महीने राशन मिल जाता है, आदमी को 2 किलो मिलता है, एक आदमी को 2 किलो महीने का खाता है एक आदमी। वो भी कम कर दिया उन्होंने, वो भी अनाज कम कर दिया ना उन्होंने, जितने गेहूँ पहले मिलते थे लॉकडाउन के पहले उतने गेहूँ नहीं दे रहे, वो चावल बढ़ा दिए गेहूँ कम कर दिए। अच्छा ये बताओ कि सरकार ने कितना काम किया, सरकार से कितना कुछ? सरकार ने काम तो अच्छा ही किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पीसी शर्मा जी कैसा काम करते? पीसी शर्मा भी अच्छा काम करते हैं। कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में और सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से अच्छी उम्मीदें हैं। हाँ काम हुआ है यहाँ विकास? हाँ काम हुआ है, कांग्रेस ने काम किया है, विधानसभा में काम हुआ है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कितना आपकी कॉलोनी में कितना काम हुआ है, सरकार कौन सा अच्छा काम कर दी, कमलनाथ की या शिवराज की? शिवराज सिंह की भी कर रही है हमारे यहाँ काम, शिवराज सिंह जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान की भी कर रही है। क्या काम किया उन्होंने? हमारे यहाँ बहुत काम करते, रोड वगैरह हमारे यहाँ काम करवाते, पहले यहाँ नाली नहीं थी तो नाली वगैरह बनवाई तो काम अच्छा होता, और ऊपर भी हमारे काम चलता रहता है कुछ ना कुछ, अभी मंदिर का काम करवाया, बाउंड्री वगैरह खिंचवाई, काम कराते हैं वो जी, हेल्पफुल है। कौन? शिवराज जी। किसकी बात कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान की। अच्छा कमलनाथ ठीक काम करते हैं, शिवराज ठीक काम? उनके बारे में कभी सुना नहीं, ऐसा काम करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में ज्यादा सुना है। तो इस बार क्या होगा फिर विधानसभा में? कौन जीते? पंजाब की सरकार बनेगी या कमल? लगता तो नहीं है पंजाब की सरकार होगी। क्योंकि मतलब एक बोलता है ना कि क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती ना कि हाँ किस वे में जाएगा, तो ये लगता है कि भाजपा में जाएगा। क्या होगा इस बार चुनाव में? वैसे कई साल हो गए हैं बीजेपी को देखते हुए, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए।
इस बार सरकार में संशय है कि सरकार किसकी होगी, क्योंकि विकास तो हुए हैं पर विकास के साथ साथ जो कर्मचारी और अदर वर्क है वो बहुत ज़्यादा दुखी चल रहा है। तो विकास के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि जॉब भी यदि देखा जाए तो विकास के बाद सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉय है, मतलब वैकेंसी लास्ट में निकालने के बाद होगा क्या, लोगों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, 18 में एग्ज़ाम लिए ज्वाइनिंग के लिए लोग, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी हो चुके हैं। तो संशय है कि सरकार रहती भी है अन्यथा नहीं रहती है। गर्मी आने को है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने और बेचने वालों के हाल वैसे ही हैं। कुम्हार अपने चक्के को घुमाते घुमाते सारी बात कह जाते हैं। इन्हीं के परिवार की महिलाओं से जब चर्चा होती है तो फिर हर बात सामने आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा की, लेकिन अब गर्मी का सीजन आने वाला है और हम ऐसी दुकान पर खड़े हैं जहां मटके हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये वो है जो गले को राहत पहुंचाते हैं, लेकिन इसको बनाने वाले लोग भी, आप देखिए अंदर किस तरह तैयार किया जाता है। मैं आपको लिए चलता हूं भीतर की तरफ, ये देखिए दीपक कैसे बनते हैं, यहां दिखाई दे रहा है, और ये देखिए ये अंकल हैं, दीपक बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अब ये दीपक तैयार किए जा रहे हैं यहाँ, ये आप कब से कर रहे हैं? बचपन से कर रहा हूँ। कितना साल हो गया होगा? 30-40 साल हो गए भैया। अच्छा ये बताइए कि सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, शिवराज की या कमलनाथ? अब भैया अपन को मालूम नहीं कौन सा अच्छा कर रही है, अपन तो अपना अच्छा कर रहा है ये बस। हाँ अपन को किसी से क्या कर लेना देना है, बस वोट डालने चले जाते, फुर्सत हो जाती है। इस बार किसको वोट डालेंगे, पंजे को कमल को? जो सामने आ जाएगा। अच्छा सरकार जो राशन देती है वो मिल रहा है? मिल रहा है ना, सब मिल रहा है। मिल रहा है। कब से लगा रही हैं आप ये दुकान? सर हम तो बहुत सालों से लगा रहे हैं। बहुत सालों। अच्छा सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कांग्रेस वाली बीजेपी वाली? बीजेपी वाली क्या करती है? अब क्या करती है, तो नॉलेज अपन को है ना, ये ये सब खरीद के लाते हैं, खरीद के बेचते हैं अपन, तो मेहनत करते हैं और क्या। कितना पैसा कमा लेते हैं? अरे क्या खर्चा पानी चलता रहता है और क्या, घर चल जाता है, घर चलता है और क्या, और कुछ जुड़ना मुड़ना है नहीं है, क्या कर रहे हैं? जोड़ना करते हो, मेहनत करते कि खाते हैं, जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे क्या जोड़ेगा इसमें, कोई जोड़ेगा इसने में मटकों में, बस ये घर का खर्च चल जाता है और क्या। पहले कितने में बिकता था मटका और अब कितने में बिकने लगा? मटके क्या पहले 80-90 का ज़्यादा था, अब 100-150 को जाता है, तो उसमें भी महंगाई है, महंगा बर्तन बढ़ा दिए महंगाई दे के कारण। आप ये क्या बना रही हैं? ये शादी की मारकोटी है। अच्छा आप शादियाँ शुरू होने वाली? शादियाँ चल ही रही हैं अभी तो, ये वाली है। कितनी मायाकोटी बना देती है? दो बना पाते दिन भर में। कितने की बिकती है? ये 200 रुपये की बिकती है। घर चल जाता? अब घर क्या चलेगा, पेट भराई हो रही है बस, इसी में लगे रहते मटका मटकी, और जे हमारे पति और हम यही काम करते रहते हैं। सरकार जो राशन वगैरह देती है वो मिल गया? वो कंट्रोल का ही मिलता है बस, उसमें क्या हो रहा है, एक जने का 5 किलो दे रहा है, वो भी चावल ज़्यादा दे रहा है, गेहूँ 1 किलो दे रहा है, चावल कौन खाता है ज़्यादा बताओ। प्रधानमंत्री आवास वो ऐसी कोई योजना नहीं है? नहीं नहीं, इतना कोरोना में वो हुआ, हम तो गरीब के गरीब ही रह गए, और अमीर तो ऊपर उठ जाता, गरीब तो बेचारा और गरीब ही हो गया। इस विधानसभा में रोशनपुरा, न्यू मार्केट और रंग महल जैसे बड़ी आबादी वाले कई ऐसे क्षेत्र आते हैं, इसलिए यहाँ हर रंग देखने को मिलते हैं। हमारी मुलाकात जूते पर पॉलिश करने वाले रविशंकर से हुई, जिनका अपना अंदाज है, और बात राजनीति की हो तो फिर बात बेबाक हो ही जाती है। तो जूतों की रेंज बदली है, वैरायटी बदली है और रंग भी बदले हैं। अब आप देखिए यदि जूते का कलर ऐसा हो जाए तो फिर किस तरह इस रंग को तैयार किया जाता है, ये क्या अब पहले तो दोनों तरह के जूते आते रहे हो? ब्लैक और ब्राउन आते थे पहले, अब क्या हर कलर के आ रहे हैं, वाइट भी आ रहा है, नीला भी आ रहा है, पीला भी आ रहा है, सभी कलर का आते हैं। कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मेरे को ये काम करते करते 40 साल से ऊपर हो रहा है। 40 साल? तो उम्र कितनी हो गई फिर आपकी 40 साल?
60 साल की उम्र है मेरी। 60 साल की उम्र जी हाँ। राजनीति कितनी बदली, सरकार कौन सी अच्छा काम करती है? आपने सब सरकारें देख ली होगी, शिवराज की सरकार, कमलनाथ की सरकार, तो सरकार कौन सा अच्छा काम? सबसे बढ़िया काम करा इंदिरा जी ने, उसके अलावा आज कोई काम नहीं हो रही है। गरीबों को जो दुकानें दी थी पहले कांग्रेसों ने, अब ये वाजपेयी जब से ना दुकान मकान सब हटा दिया थे, तो परेशानी हो रही है, दुकान भी नहीं देते हैं कोई। इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में? अब 2023 में ये है कि कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए जी हाँ। आपने तो दोनों सरकारों का कार्यकाल देखा जी सर। इस बार किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश? इस साल तो सरकार साहब कांग्रेस की बननी चाहिए, क्योंकि बीजेपी से आदमी अति से अति प्रताड़ित हो चुका है। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि जो भी आए जन सैलाब के लिए अच्छा करे, बाकी राजनीति अपनी जगह। ठीक बात। कहाँ रहते हैं आप? हम कमला नगर पे रहते हैं। अच्छा ये बताओ, सरकार कौन की अच्छी काम करती है, कमलनाथ वाली, पंजे वाली की कमल वाली? अभी तो कमल वाली चल रही है, लेकिन आप ये चाह रहे कि कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस अच्छा, इनके साथ क्या लग? नहीं आप वैसे तो आप कमल भी अच्छी है। वो भी साथ है। महंगाई इतनी हो गई कि कुछ बोल नहीं पा रहे गरीब लोग। क्या होगा, कमलनाथ अच्छा काम करते कि शिवराज? शिवराज भी कर रहा है वो तो काम तो अच्छा, पर यही है कि महंगाई बहुत हो गई अभी फिलहाल। गरीबों के हिसाब से तो महंगाई कम करे। हम समझने निकले हैं चुनावी जायका, लेकिन साथ में इस विधानसभा के खान पान का जायका भी जरूरी है। इसके लिए सबसे बढ़िया है न्यू मार्केट, जहां की रौनक ही अलग होती है। और जायका पंजाबी छोले भटूरे का हो तो क्या कहने, ये दुकान 60 साल पुरानी हो चुकी है लेकिन जायका अब भी नहीं बदला। ये पंजाब छोले भटूरे की दुकान है और बड़ी फेमस है, बड़ी पुरानी है, यहाँ लोग हमेशा आते रहते हैं। आप देखिए कि देश तो छोड़िए, विदेश के लोग भी यहाँ छोले भटूरे का आनंद लेते हैं। कैसा टेस्ट है? इट्स वेरी गुड। इट्स वेरी वेरी गुड। स्पाइसी लाइक अलाइक। मैं तो सर आते ही रहता हूँ यहाँ पे, इसलिए हम लेके आए हैं। अच्छा ये बताओ, इस बार चुनाव में क्या होगा? भाई ये चुनाव में जो भी हो सकता है अच्छा ही हो। हम तो लाइक आई एम बिजनेसमैन, सो जो अच्छा करेगा वी आर विद देम। सरकार ठीक काम करती है? बीजेपी, मोदी जी। तो छोले भटूरे का जायका लेने निकले, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग तो आज कैसा है छोला भटूरा? बहुत अच्छा है, बहुत नाइस, एकदम वेरी नाइस, एकदम टेस्टी। हम लोग बहुत दूर से खाने आते हैं यहाँ पे, कोलार से आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, जबकि कोलार में कितना सारा शॉप है, लेकिन हम इसको यहीं का अच्छा लगता है, इसको यहाँ का छोला भटूरा अच्छा लगता है। आप खिलाने लाए? हाँ, स्पेशली उन्होंने बोला मेरे को उधर ही खाने। कितने साल हो गए शादी को? शादी के हमको 35 साल 40 साल। 35 इयर्स। खुश है, मस्त है? हाँ मस्त है एकदम। छोले वैसे ही टेस्टी है, वैसे ही पहले जैसे ही एकदम। आज भी छोले भटूरे खिलाने लाते हैं? हाँ जी, तो आए पहले बहुत बार, बहुत दिन के बाद आए। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या होगा 2023 के चुनाव में? चुनाव में तो ऐसा है कि अब बीजेपी की ज़्यादा ऐसा चल रहा है, लोगों के मन में भी वही रुझान है कि बीजेपी, तो ऐसे ही है बस, बीजेपी साइड है लोग, ज़्यादातर लोग बीजेपी की साइड है। खास तरह से यहाँ तैयार किए जाते हैं छोले भटूरे, और आप देखिए कि कोई भी ऐसी टेबल खाली नहीं होती कि जब यहाँ लोग ना पहुँचे। जब यहाँ लोग आते हैं तो फिर कैसा है छोला भटूरा? बहुत अच्छा है। आते रहते हो? पहली बार आए? नहीं, आते रहते। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या होगा 2023 के चुनाव में? वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, चुनाव के टाइम कौन कौन कैंडिडेट, कौन सी अच्छा काम करती, बीजेपी की या कांग्रेस की? सरकार अब कुछ कहना पॉसिबल नहीं है अभी, अब जो भी है सभी अच्छा है अपनी जगह। बीजेपी क्या खास होता है बीजेपी में? सॉरी, अब मेरे हिसाब से तो सर बीजेपी है जो भी हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये भटूरे का जायका कैसे टेबल तक पहुँचता है, कैसा है भटूरा तैयार होता है। आप देखिए कि बिल्कुल दिन भर के लिए बनकर छोले तैयार हो गए हैं, और ये छोले यहाँ रखे हुए दिन भर के लिए बन जाते हैं? हाँ, दिन भर के लिए बन जाता है सर। सुबह 10:30 बजे खुलती है और रात के 11:30 बजे तक। ये छोला एक साथ बना लेते हैं? हाँ, छोला अभी बना है 5-6 बजे तक, और शाम के अलग बनेगा 6-7 बजे, ये खत्म हो जाएगा। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? 27 वर्ष 27 साल
लगातार एक ही जगह, ऐसी क्या खासियत है? खासियत सर क्या है, मेरी पहले गरीबी थी तो सामने वाला मेरे को पैसा अपने मुँह मांगा दे रहे हैं, यही खासियत है। अपने को जितना चाहिए उतना बच्चे पढ़ रहे हैं अपने। जी सर, इस बार चुनाव में क्या होगा 2023? इस बार तो सर टकराव है, मोदी जी आ सकते हैं। मोदी जी हैं मगर आ सकते हैं अभी भी, अब उसका संभावना तो अब नहीं बता सकते, अपन तो यहाँ छोले भटूरे वाले हैं। आप देखिए हाथ किस तरह चलते हैं, हाथ आपको समझ ही नहीं आएगा कब भटूरा बनकर तैयार हो गया। आप घर में बनाएंगे तो नहीं बनेगा, एक तरफ ये हाथ चलते हैं, ये यहाँ डालते हैं भटूरा और दूसरी तरफ ये निकला। अच्छा सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार क्या पता, बीजेपी की बनेगी या किसकी बनेगी। तो आप देखिए भटूरे का जायका भी यहाँ मिल गया और मैं तो गर्मा गर्म हो गया। भट्टी की आँच इतनी तेज है लेकिन तपती हुई भट्टी में भी दिन भर ये काम करते रहते हैं क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है। पर यहाँ की खासियत क्या है थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ के जो संचालक है उनसे। सर कस्टमर मेरे पुराने हैं, कस्टमर ही तीसरी चौथी पीढ़ी से मेरे पास रोटेट कस्टमर है। इसलिए कौन सी पीढ़ी के हैं सर? मेरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। दूसरा काम नहीं किया आपने, नहीं आ गए, जरूरत नहीं पड़ी? पिताजी की जमी हुई जमाई चीज थी, उसी चीज़ को बचपन से शुरू से फिफ्थ क्लास से पिताजी ने लगा दिया था मेंटेन करने के लिए बिजनेस को, तो इसलिए अब आदत वही हो गई रूटीन। तो आज तक जायका नहीं बदला, जायका वही है, वही है, मसाला वही है, सब कुछ वही चल रहा है, सिस्टम वही चल रहा है। फिर चुनावी जायका क्या होगा इस बार? चुनावी देखते सर जो भी हो जाए, किसी की अपने काम तो वही करना है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में चुनावी माहौल अभी गर्म है। वर्तमान विधायक पीसी शर्मा हो या पूर्व विधायक उमा शंकर गुप्ता, दोनों के ही पोस्टर खुद बयां करते हैं कि चुनाव कैसा होगा। पीसी शर्मा अपनी सक्रियता के बूते फिर तैयारी में हैं और बीजेपी इस बार किसी नए और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। 2023 को लेके पूरी तैयारी है और मैं समझता हूँ कि मैंने 24 घंटे 24/7 लोगों की सेवा में रहा हूँ और कभी भी किसी का किसी वक्त भी फ़ोन आया तो उठाया है, चाहे रात के 2 बजे हो या 12 बजे हो, किसी भी तरह की परेशानियाँ हो और नहीं उठा पाए तो कॉल किया है। संजीवनियाँ बनाना, ICU बनाना, एम्बुलेंस, लोगों के सड़क पानी, कोविड के अंदर उनकी हर तरह से मदद करना, 3 बार मुझे कोविड हुआ तो लगातार लोगों की सेवा में रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता कोई वजह नहीं होगी जिसकी वजह से लोग फिर से मुझे अपना प्रतिनिधि बनाए। देखिए 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने लोगों में बहुत भ्रम फैलाया, उन्हीं भ्रम के कारण कुछ हमारी जो परंपरागत सीटें थी वो हम उसको लूज कर गए और कुछ हो सकता हमसे गलतियाँ हो गई हों तो उनका भी सुधार करेंगे। लेकिन अभी नगर निगम के चुनाव में अगर आप परिणाम देखें तो बड़ी हजारों वोटों से हम लोग महापौर का चुनाव जीते, इसका मतलब ये साफ है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस चुनाव में आपको ऐतिहासिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस विधानसभा और हम ऐतिहासिक वोटों से ये विधानसभा जीतेंगे ये निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को तय करती है पूरी भाजपा लगती है। तो रही बात मेन मुद्दा अगर विधानसभा की जीत की बात करें तो ये निश्चित तौर पर है कि बहुत ऐतिहासिक वोटों से हम दक्षिण पश्चिम का चुनाव जीतेंगे। चुनाव में अब 7 महीने का वक्त है, दोनों दल अपने अपने समीकरण बिठाने में लग गए हैं लेकिन बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। कहते हैं कि दक्षिण विधानसभा में जब आते हैं तो तमाम तरह के जायके मिलते हैं क्योंकि ये विधानसभा बहुत अलग है, यहाँ खान पान का अंदाज अलग है, यहाँ छोले भटूरे का जायका है, यहाँ अलग अलग खान पान का जायका आपको मिल जाएगा और हर उम्र के लोग या हर काम करने वाले लोग यहाँ मिल जाएंगे, युवा हो बड़े हों, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो रंग बहुत अलग दिखाई देते हैं। चुनावी जायके के साथ खान पान का जायका भी खूब दिखाई देता है, पर 2023 के चुनाव में किसका जायका बनेगा किसका बिगड़ेगा इंतजार कीजिए क्योंकि आपने देख लिया होगा कि आखिर जायका कहता क्या है। अगली बार फिर किसी नए विधानसभा में मुलाकात होगी, मुझे और नागिन को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।